धरती रेना आर भगवान बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू चांद भैरव जोतो को नवा सभा खन आर नवा स्टेज खन आर जोतो कोल्हान पास्टा सेट खन कार्यकर्ता गण को पेहे सेटे रकान जो तो देव तुल्य कार्यकर्ता को नुआ सभा खन अड़ी अड़ी जो तो कोगे गुण मनाओ जोहारी निमा पिकाना नुआ मिलन समारोह रे दुरु बकान स्टेज रे आबोई पूर्व मुख्यमंत्री ताहे काने श्री बाबूलाल मरांडी जी प्रदेश अध्यक्ष आसाम रिनी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी आर नितो नितो चलावेन नोने आबोई दिशम रिनी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी श्री पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी शिवराज सिंह चौहान जी पूर्व सांसद गीता कोड़ा जी और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष आर जतो खन नोने नवा सभारी स्वागत करना चाचा जी श्री चंपाई सोरेन जी कोल्हान टाइगर जहां नोने नी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नोई कोल्हान टाइगर आ चिकाते शांति लिखा कान शांत लगने मने लिया आर उनी कोल्हान टाइगर नीतो नुआ अब झारखंड रे दहाड़ा एकदम से रील नुआ पूरा झारखंड रे दहाड़ा आर आबोरिन जहां तीना आदि बहा को जहां तीना के नुआ आबो झारखंड री मूल वाती सी आदिवासी को हिना कोना जो तो कोई बंचा बोना जो तो कोगे स्टेज से कोना जहां दिन पेड़ा को कोहे के कना जो तो वरिष्ठ नेता को इनसे कोना नहीं आदि गुण मना जो हारी मांग पाना आप लोग सब जानते ही हैं कि यहां के मुख्यमंत्री जो आपने आप को समझ रहे हैं तीर धनुष तो उसके पास तीर धनुष को उन्होंने जागीर समझ लिया। वो नहीं जानते हैं कि वो जो तीर धनुष है तीर धनुष मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का होने वाला था और उन्होंने इसको कब्जा कर लिया। उस तीर धनुष के माध्यम से अब झारखंड के लोगों को गरीबों को असहाय को मजदूरों को यहाँ के धरती के पुत्रों को सुरक्षा करने के लिए नहीं सिर्फ डराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बहनों भाइयों सिर्फ डराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं आप लोग जवाब दीजिए है कि नहीं। तो ये तीर धनुष उनके हाथों में आप शोभा नहीं दे रहा है। जिनके हाथों में होना चाहिए था वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन अब जहां होना चाहिए वहां आ गया तीर धनुष। हमारे वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन जी को आदर पूर्वक हम चाचा कहते हैं लेकिन उनका अपमान होगा हमने कभी सोचा भी नहीं था। कभी सोचा भी नहीं था उनका अपमान होगा लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री उनका प्रचलन ही हो गया है। पहली उन्होंने नारी का अपमान किया उस घर में एक नारी का अपमान किया कुछ चुनिंदा जो हम कहना चाहेंगे
महिलाओं को असम्मान करते हैं, और उस घर से हमको भी निकलना पड़ा। यही अपमान हमने 14 साल तक सहा। 14 साल के बाद आप नहीं सहा जाएगा, इसके बाद हमने घर छोड़ा। वो छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे ही कई नेता, झारखंड की मोर्चा का आप, ये ना घर का पार्टी रहा ना राज का पार्टी रहा, ये आप टूटने के कगार पर है। एक एक जो वहाँ के वरिष्ठ नेतागण वहाँ से मोह भंग हो चुका है, तो सिर्फ किसके कारण? उनका व्यवहार के कारण। आप वो पार्टी रह गए वन मैन पार्टी, आप उस पार्टी पर सिर्फ जो वो बोलेंगे वही होगा, जैसे पहले अंग्रेजों का शासन होता था। अंग्रेज जो कैसे थे, जो बोलते थे वो करते थे, आप वो हेमंत सोरेन भी वही कर रहे हैं, क्योंकि उनको आदत हो चुकी है। एक एक करके पार्टी के बड़े लीडर टूट रहे हैं, आगे और भी लाइन पर है, और सब अभी चुप नहीं रहने वाले। सब अपना दिल का भड़ास निकालेंगे और उस पार्टी को अलविदा कहेंगे, उस पार्टी को अलविदा कहेंगे, क्योंकि वहां सम्मान नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो जनता है, सरकार बनने के बाद उन्होंने जो मैनिफेस्टो में जो भी फैसला किए, जो भी बातों को रखा, उन्होंने कोई वादे उन्होंने पूरा नहीं किया। पूरा किया क्या? कोई वादा उसने पूरा किया बताइए? कोई वादा पूरा नहीं किया, जिसके चलते आप सिर्फ सभी को विश्वास होना पड़ रहा है कि कमल फूल जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सभी जनता को विश्वास है, और ये कमल फूल आएंगे इस राज्य में, डबल इंजन का सरकार बनेगा, तभी सबका भला होगा, नहीं तो भला होने वाला नहीं है। कितने वादों को हम गिनती करें हम स्टेज से? बहुत वादे किए। गरीबों को लूटा है उन्होंने, सबसे पहले आवास योजना में जो बात, बहुत सारी योजनाएं या योजना और परियोजना बात करने का अभी समय नहीं है। अभी जो इन्होंने मैया सम्मान योजना एक लेकर के आए, मैया सम्मान योजना में क्या हो रहा है? ये धान रोपने के समय में सबको लाइन से कतार में खड़ा कर दिया, कोई ब्लॉक में कोई ऑफिस में, एक किस्ती जाएगी, इसके बाद हमारे सभी मैया जो है कि वो भी सड़क पर आ जाएंगे और आंदोलन करेंगे। बिजली मुफ्त देंगे, क्या आपका बिजली बिल माफ हुआ? 15 यूनिट या 20 यूनिट माफ हुआ? नहीं हुआ। तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी वो सूर्य योजना के तहत वो जल्द ही आप लोग के सामने आएंगे, बिजली का जो बिल है गरीबों का वो कम हो जाए। जो भी योजनाएं है यशस्वी प्रधानमंत्री का जो योजना है वो धरातल पर चलता है, बाकी सिर्फ देखने लायक, सिर्फ पेन और पेपर पे चलता है। ये हेमंत सोरेन का सरकार, और ये है जो पूर्वजों के द्वारा देखा गया सपनों का झारखंड। 24 साल के बाद भी वो सपना पूरा नहीं हुआ। यहाँ पर लोग सिर्फ पलायन कर रहे हैं, युवाएं सड़क पर हैं, जो नौकरियों का वादा किए थे कि हर साल 20 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, वो नौकरी कहाँ गया? युवाएं अभी पूछ रहे मुख्यमंत्री जी को, आक्रोश रैली भी रखे थे ओरामदी मैदान में, उस मैदान में बातों को रखने नहीं दिया गया। सरकार ने वहां पर उस सभा को भंग करने के लिए
कितना तरह तरह का षड्यंत्र किए और उसको भंग भी किए। आंसू गैस, जहरीले आंसू गैस वहां पर छोड़ा गया, पानी के बौछार और रोबोट बुलेट वहां पर रॉकेट जैसे आया, मानो वहां इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। रांची शहर में लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरह से ध्वस्त है, तो ये लोग कब तक झेलेंगे? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने के लिए हमारे चाचा जी चंपई जी आए हैं, और अब पूरे तरह से यकीन हो गया कि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। इसीलिए मैं चाचा जी का स्वागत करती हूँ पूरे पार्टी टीम के तरफ से। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जहार, जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सीता सोरेन दीदी जी। अब हम सब